हे गाइस अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हुरानिया हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है व्हाई डिड योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैव 12 मैरिजेस डॉक्टर जाकिर नाइक रिप्लाई। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है गाइस, देखते हैं कि एक अंकल है जो बोल रहे हैं कि हमारे जो नबी थे वो क्यों इतनी शादियां की हैं। तो देखते हैं पहले उनका क्या कहना है, उसका डॉक्टर जाकिर नाइक सर का रिप्लाई देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है और वो हर किसी रिलीजन से रिलेट करते हुए जवाब देते हैं। एक लॉजिकल रिप्लाई रहता है। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मोहम्मद साहब जब जीवित थे तो उनकी शादियों के बारे में कई चर्चा होती है। मोहम्मद साहब ने कितनी शादियां की थी ये मैं नहीं कह रहा, जो रिकॉर्ड बताता है, जो इस्लाम बताता है, जो कुरान बताता है, जो हदीस बताती है, जो शरिया बताता है, किसी को पता है आप में से कि उन्होंने कितनी शादियां की थी? अगर ये बात टेलीविजन पर कोई आदमी कह देता है, कोई एक्सपर्ट पूछ लेता है, तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। मोहम्मद साहब ने, मेरा रिकॉर्ड नहीं कह रहा ये, मोहम्मद साहब की ऑफिशियल 12 शादियां हुई थी और जब वो खुद 25 साल के थे तब उन्होंने पहली शादी एक 52 साल की विडो से की थी जिसका नाम था खतीजा। उस 12 शादियों में जो सबसे कम उम्र की शादी जिस लड़की से इन्होंने की उसकी उम्र थी 7 साल 7 ईयर्स। और जब वो 7 के थे, बेटी जो लड़की थी उसका नाम था आयशा। उस वक्त खुद मोहम्मद साहब की उम्र जो थी वो 54 साल थी और उस आयशा के पिता जीवित थे। तो जब आप डिबेट करते हैं तो तर्क यह दिया जाता है कि ये जो ज्यादा शादी करने का जो कंसेप्ट था वो इसलिए था कि उस जमाने बड़ी जंगें हो रही थी, बड़ी लड़ाइयां हो रही थी, तो जवान जवान लड़कियां जो हैं वो विधवा हो जाती थी, उससे उनकी जिंदगी खराब होती थी, उनकी इज्जत पे मामला होता था, सोसाइटी में कहीं हालात खराब ना हो जाए, इसलिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए शादी की जाती थी ताकि उनका प्रोटेक्शन हो जाए, सोसाइटी में प्रोटेक्शन हो जाए, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन हो जाए। तो ये तर्क भी मुझे समझ में आता था कुछ हद तक, लेकिन मेरी रिसर्च यह कहती है कि जिस 7 साल की लड़की का बाप जीवित था उसे मोहम्मद साहब की बीवी बनाकर कौन सा प्रोटेक्शन दिया जा रहा, मोहम्मद साहब की बीवी बनाकर कौन सा प्रोटेक्शन दिया जा रहा था? पहला प्रश्न मेरा ऐसा है, नेचुरली एक पुरुष कौन, एक पुरुष एक ही स्त्री का स्त्री को न्याय दे सकता है, लेकिन कुरान में लिखा है एक पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ शादी कर सकता है। मैं सुनने में ना, मैं जी हाँ, तो आपका सवाल है कि कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा औरत से शादी कर सकता है इंसान, कर सकते, तो आप उसका जवाब चाहते हैं। आप अगर दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे, कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो। आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मजहब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मजहब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी, कितनी थी? कौन से? दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनके थे। ठीक नहीं क्या पूछता हूँ, कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी बीवियां थी? दशरथ को 4 थे। कितनी थी? 4। 4 थी, आप 4 कहते चलो मान लिया, हमें 3 बीवियां थी। वो उसमें रामायण में इन्हें लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी, कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा मेरा बोलने का, श्री कृष्ण ठीक नहीं किए कैसे आदमी है, श्री कृष्ण को गलत बोल रहे आप, संभालो भाई हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते, श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं आपके मुताबिक, श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते हैं बिल्कुल सही, तो गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं, गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? अच्छा आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से। कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे, एग्जैक्ट बोलिए आप। जब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। A few days before, there was an article on 10th of May in Hindustan Times with regards to Hazrat Aisha was 19, not 9. Can you just throw some light on that?
इस खातून ने कहा था कि कुछ रोज पहले भारत के एक अखबार में एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें यह कहा गया है कि शादी के वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 9 बरस नहीं बल्कि 19 साल थी। दोस्तों यहां पर बहुत से लोगों को इस मालूमात से ये लगेगा कि हजरत आयशा की उम्र 9 नहीं बल्कि 19 साल थी, मगर अहादीस की रोशनी में ऐसा नहीं है। अहादीस के मुताबिक हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं तो उस वक्त 9 बरस ही थी। हिंदुस्तान टाइम में छपने वाले इस आर्टिकल का हवाला जानबूझ कर दिया गया था और यह आर्टिकल झूठ पर मबनी था। डॉक्टर जाकिर नायक ने भी लगभग ऐसी ही बात की। आइए आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक ने क्या जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि सही बुखारी के हदीस के मुताबिक हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी दरअसल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो उनकी उम्र सिर्फ 9 बरस थी। लेकिन बहुत से जदीद उलमा बनने की कोशिश करने वाले लोग या बहुत से दीन इस्लाम के ऐसे लिबरल उलमा जब उनको कोई जवाब नहीं मिलता और उनसे कुफार या दीन इस्लाम से नफरत करने वाले लोग जानबूझकर ये सवाल रखते हैं तो वो उन लोगों को समझाने के लिए और कोई भी मंतक लाने के लिए ये कह देते हैं कि वो 9 नहीं 19 है। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि लिबरल और नाम निहाद ये उलमा ये कहने लग जाते हैं कि अरबी जबान में लफ्ज अशरा इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब 10 होता है और वो 10 जमा 9 करकर 19 साल बनते हैं, लिहाजा हजरत आयशा की उम्र थी ही 19 साल और जो कि मुनासिब है। बहुत से लोग इस दलील से कायल भी हो जाते हैं क्योंकि 19 साल की कोई भी खातून इस दौर के लिहाज से बालिग तसव्वुर की जाती है और उससे शादी की जा सकती है, मगर डॉक्टर जाकिर नायक ने फरमाया था कि यह हदीस सच है कि वो 9 साल की थी और मैं आपको बताऊंगा कि वो 9 साल की होते हुए भी ये शादी कैसे हक पर थी। Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible, that is the reason the time justify, and they say that actually the statement is 19 because in Arabic we had an ashra, so this is ashra, the 10 is missing, we said 10 9 for 19 9, actually should be 19, this is the assumption. But what Dr. Zakir Naik ne kaha ki ye 9 10 aur 19 wali baat galat hai aur aam taur par naam nihad scholars ya daur-e-jadeed ke ye ulama उस मौके पर यह बात करते हैं जब वो फंस जाते हैं और उनसे लॉजिकली साबित नहीं हो पाता कि हजरत आयशा की उम्र 9 साल थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी कर ली, ये तो गलत हो जाएगा, इसका जवाब देने से इस्लाम का तासुर खराब हो जाएगा, लिहाजा वो लोग इसको 9 से 19 कर देते हैं जो कि गलत है। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मुकम्मल तहकीक के बाद साबित हुआ है कि यह हदीस भी सच है जिसमें कहा गया है कि हजरत आयशा की उम्र 9 साल थी, तो सवाल यह पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इतनी कम उम्र लड़की के साथ शादी कैसे कर सकते हैं। मौजूदा दौर के लिहाज से भी देखा जाए तो ये एक जुल्म लगता है। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि इसकी लॉजिक किसी के पास नहीं होती, मगर आज मैं आपके सामने इसकी लॉजिक रखने जा रहा हूँ। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और मुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया गया है कि किसी भी खातून को बलूगत की उम्र में पहुंचने तक, मिसाल के तौर पर भारत में अगर देखा जाए तो वो तकरीबन 13 या 14 साल की उम्र में बालिग हो जाती है। अमेरिका में 12 से 13 साल की उम्र में खवातीन बलूगत पर को पहुंचती हैं और इस तरह से हर मुल्क की खवातीन बलूगत को मुख्तलिफ उम्रों में पहुंचती हैं, लिहाजा किसी भी खातून का बालिग होना जिस मकाम पर वो रहती है उस मकाम के इर्द गिर्द के हालात, वहाँ का मौसम, उसकी खुराक और दीगर सूरत हाल पर मुनहसर है। यही वजह है कि अमेरिका में 12 और भारत में 13 और कुछ अरब या गर्म ममालिक में इससे भी कम उम्र में लड़कियां बलूगत को पहुंच जाती हैं, यानी वो शादी के काबिल हो जाती हैं। And how to justify that? When I was in the medical college, I passed in 1991, and in the 80s, we were taught in the medical college that a lady, she reaches puberty and adulthood, maturity, at the age of approximately, in India, it is about 13 to 14, 15, in America, it's about 12 to 13, and the age factor of the puberty keeps on changing depending upon the atmosphere, depending upon the surrounding, depending upon the diet, depending upon the climate. डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि बदलते हालात और बदलते मौसमों और खुराकों की वजह से आज भारत अमेरिका में भी बहुत सी लड़कियां 10 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं और ये सब कुछ मेडिकल साइंस से साबित शुदा है। और साइंस ये भी कहती है कि अगर आज के दौर में कोई खातून या लड़की 9 या 10 साल की उम्र में बालिग हो जाती है तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि बहुत से डॉक्टर ये समझते हैं कि अगर कोई लड़की 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती है तो इसमें परेशानी की बात नहीं है, अलबत्ता अगर कोई लड़की 9 साल की उम्र से भी पहले बालिग हो जाए तो फिर ये मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है। एंड टुडे मेडिकल साइंस टेल्स अस दैट इफ एनी लेडी
starts the menstrual cycle at the age of 10, it is nothing unique. It's quite common. Though the age of menstruation today has become a bit less, approximately 12, 13, 14. But even if a girl starts menstruating at the age of 10, even 9, it's nothing to be alarmed of. If the age of menstruation is below the age of 9, then there is a concern. On this scientific fact that डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि अब अगर कोई खातून या लड़की 9 साल की उम्र में बालिग हो सकती है तो शरीयत के मुताबिक वो उस उम्र में शादी भी कर सकती है और इसमें कोई बुराई या मजायका नहीं है ना ही कोई गुनाह है। डॉक्टर जाकिर नायक ने यह भी बताया कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने अपने कवानीन के हिसाब से शादी के लिए एक खास उम्र मुकर्रर कर रखी है और वो बलूगत को नहीं देखते हैं, लेकिन दीन इस्लाम और शरीयत के मुताबिक जब भी लड़का और लड़की बालिग हो जाएं तो वो शादी कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि इन तमाम हकायक को देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुनफरिद थीं और वो 9 साल की उम्र में ही बालिग हो गई थीं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं जब हम इस्लामी तालीमात और इस्लाम की तारीख और अहादीस का मुतालिया करते हैं तो मालूम होता है कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़हीन भी थीं, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें मुख्तलिफ खसूसियात से नवाज रखा था। यही वजह है कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब से बेशतर बल्कि बहुत ज़्यादा अहादीस बयान की गई हैं और बहुत सी अहादीस उन्हीं से रिवायत हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ने यह भी कहा कि बहुत से जदीद या लिबरल उलमा ये भी कहते हैं कि हज़रत आयशा को 10 साल इंतज़ार करवाया जाता और जब वो 9 से 19 की हो जाती तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे शादी कर लेते। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बमुश्किल 10 साल ही जिंदा रहे। इस काम में अल्लाह की हिकमत थी और शायद ये अहादीस दुनिया तक पहुँचाना थी। यही वजह थी कि अल्लाह ताला के हुक्म के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 9 बरस की उम्र में ही शादी की थी और जो कि उस वक्त और शरीयत के लिहाज से बिल्कुल ठीक था। And alhamdulillah, mashallah, because of that, we know that many ahadith are narrated by the wife of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. She could have waited for another 10 years and then got married. Some of the orientalists, some of the so-called modern Muslim scholars. If she had waited for another 10 years, we know that after the Prophet married her, the Prophet hardly lived for 10 years. So if she had married after that, she wouldn't be able to narrate the ahadith that we know. डॉक्टर जाकिर नायक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और उनका जवाब मुकम्मल हो चुका था और वो ये था कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हाँ 9 बरस की उम्र में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम से शादी की, मगर वो उस वक्त बालिग हो चुकी थीं और बालिग होते हुए शादी करना शरीयत के मुताबिक इस्लाम इसकी इजाज़त देता है और वो कम उम्र में बालिग इसलिए हो गईं क्योंकि साइंसी लिहाज से इंसान या लड़कियां कम उम्र में बालिग हो सकती हैं। इसी बात की तस्दीक करने के लिए टीम हमकदम ने इस मामले पर कुछ तहकीक की है। दोस्तों, तहकीक के बाद टीम हमकदम इस नतीजे पर पहुंची है कि ख्वातीन में बालिग होने की कम से कम उम्र 9 साल ही है। आज के दौर में भी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अमेरिका, इराक, फ्रांस या दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं तो वहां पर ऐसी बेशतर लड़कियां पाई जाती हैं जो 9 साल की उम्र में ही बालिग हो जाती हैं। और इस मामले पर तहकीक करने के बाद टीम हमकदम ये मालूमात आपके सामने रख रही। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सामने जो अंकल पूछ रहे थे कि यार 12 शादी किए हैं ऐसा वैसा, ठीक है, और वहां पर जो एज बताए थे हजरत आयशा की वो 7 साल बताए थे, उनकी जो एज थी वो 9 साल की थी। तो अगर इस्लामिक शरिया कानून से आप देखोगे तो यार वहां पर इजाजत देते हैं कि जब लड़का और लड़की जब बालिग हो जाते हैं तो आप शादी कर सकते हो। और दूसरे धर्मों में भी देखोगे तो यार दूसरे धर्मों में तो शादी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि आप इतने एज में शादी कर सकते हो या आप इतनी शादी कर सकते हो, लेकिन इस्लाम में आप देखोगे तो पूरा परफेक्ट रिलीजन है इस्लाम, ठीक है, जिसमें बोला भी गया है कि यार आप अगर हर किसी 4 शादी कर सकते हो लेकिन आप इक्वली उनको ट्रीट नहीं कर सकते तो आप एक ही शादी करो, ठीक है। और रही बात हमारे नबी की, वो तो बहुत परफेक्ट इंसान थे, लेकिन उनका जब मैं इस सब चीजों पर रिसर्च किया तब मेरे को ये पता चला, मेरे को भी यही चीज था कि यार इतने छोटे से इतने एज में शादी किए और इतना ज्यादा शादी क्यों किए, तो वो जो थे वो लोगों तक के पैगाम पहुंचाना चाहते थे, मैसेंजर थे तो मैसेज पहुंचाना चाहते थे हदीस के थ्रू, कुरान के थ्रू। तो वो उन्हें हमारे क्रिएटर की तरफ से बोला गया था कि आप इतनी शादी करो, इस इंसान से करो, तब वो कर रहे हैं।
और आप देखोगे अगर उनको अगर कुछ गलत करना रहता या वो बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग बहुत गलत गलत बयानबाजी देते हैं, तो यार वो 25 साल की एज में क्यों शादी करते 50 साल की औरत से, ये भी आपको एक सोचना चाहिए। और एक चीज और मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो सेकंड जो अंकल बोल रहे थे कि वो इतनी सारी शादी क्यों की है, तो शादी उनकी मतलब लोगों को अपनी भी धार्मिक किताबें पढ़ना चाहिए कि उसमें धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा शादी की है, हजारों में शादी की है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस्लाम पे हमारे नबी पे उंगली उठाई जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप जब रिसर्च करोगे तो हर चीज में आपको लॉजिक मिलेगा, क्योंकि जो नबी की आप लाइफ पढ़ोगे तो इससे ये पता चलता है, मतलब आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे लोग एक वाइफ को भी मतलब इक्वली ट्रीट नहीं कर पाते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, लेकिन नबी इतनी सारी वाइफ होने के बाद भी उनको इक्वली ट्रीट करते थे, सबको रिस्पेक्ट देते थे, सबको बराबरी हर चीज देते थे, ठीक है। और यहाँ पे ये सीखने के लिए था ताकि लोग उनसे सीखे, क्योंकि यही बोला गया हमारे क्रिएटर की तरफ से कि जो आपके जो लास्ट मैसेंजर है, जो हमारे नबी है, उन्हीं को देख के उनकी चीजों को हमें फॉलो करना है, क्योंकि वो परफेक्ट इंसान थे। और हजरत आयशा के बारे में जो उंगली उठाई जाती है, तो साइंस वो चीज को वो बोल रही है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक सर एक डॉक्टर है, वो जानते हैं ये सारी चीजें कि हमारी बॉडी कैसे चेंज होती है और क्या सही और क्या गलत है बॉडी में। तो ये चीजें मतलब एक लड़की तैयार हो जाती है उसके 9 साल के बाद, मतलब उस टाइम पे। और ये जब एक सवाल उठाया गया सामने कि उनके फादर जब जिंदा थे तो उनको क्यों प्रोटेक्शन के लिए वहां पे दिया गया, तो देखो अब जो फादर होते हैं उनके लिए चाहे उनकी बेटी 9 साल की हो या 20 साल की हो, वो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करेगा और उसके प्रोटेक्शन के लिए आगे रहेगा। लेकिन एक हस्बैंड अलग होता है, और शादी करना ही है लड़कियों की, तो ये और हर टाइम का जो जो रिचुअल्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। अभी के दौर में हम जहां रहते हैं उस हिसाब से हमें शादी करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है अभी कि जो इंडिया में जो रूल है वही दूसरी कंट्री में भी रूल हो, सेम एज में आपको शादी करनी है। वैसे ही वो एक अलग टाइम है, हजार साल पहले की बात है, और अभी का टाइम बहुत ज्यादा अलग है। सो गाइस ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों का क्या मैसेज है इस वीडियो में, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप लोग क्या सोचते हो उस वीडियो के बारे में। सो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।